गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप रियली कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बता रही थी ना मैं रात को कि मुझे कहीं जाना है और आपके लिए सरप्राइज़ है, तो चलिए आज मैं बता देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ गोरखपुरिया, भौजी की बेटी छन छन का बर्थडे है और भाभी ने कॉल करके मुझे बुलाया है, तो वहीं जा रही हूँ। इनविटेशन आ गया है, भाभी परसों ही कॉल की थी, फिर अभी मॉर्निंग में भी कॉल की थी, तो वहीं मैं जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। स्टार्ट है आज का ब्लॉग और अभी बस से जाऊँगी क्योंकि गाड़ी किसी रीजन की वजह से दिक्कत हो गया है, तो बस से जाएंगे हम लोग। तो अभी रास्ते में एक और यूट्यूबर है, उनसे भी मिलूंगी, उनके साथ ही कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। और आज मेरी छन छन बिटिया का बर्थडे है तो आप लोग विश ज़रूर कीजिएगा। छन छन बाबू मैं आ रही हूँ, चलिए फिर मिलती हूँ। दीपू से भी मिलना है, बहुत लोगों से मिलना है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए वहीं जाके मिलती हूँ, अभी बस में भी बात करूँगी आपसे और एक यूट्यूबर से भी मिलवाती हूँ। लो सफ़र शुरू हो गया। तो मैं ऑटो से निकल चुकी हूँ और फोर व्हीलर से जाने वाली थी, बट कुछ बात हो गया था इसकी वजह से नहीं जा पाई। तो चलिए वहाँ जाके मैं अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ, देन उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। ना सुनो देखिए मिल गए हम, किससे बोलिए? हाँ कौन है? हमको खुद ही नहीं पता। और इसके वजह से ना 5 मिनट पहले एक बस गया है और छूट गया है, इसकी वजह से बस इसी का वेट कर रहे हैं। सॉरी चले गए। सो गाइज, उसके बाद हम दोनों लोग बस में ट्रैवल किए हैं। तो आधा रास्ता बस से ट्रैवल किया, बहुत मस्ती किया हम लोगों ने, रास्ते में बहुत बातें वगैरह किया। अकेले सफ़र करने में अच्छा नहीं लगता है, कोई दोस्त अपना मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। तो मैं और प्रिया जी यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं सफ़र करना। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर, जाके आपसे मिलती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे अच्छा लगे और मेरे चैनल पे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। और बहुत मेहनत की हूँ गाइस, बहुत 2-2 बजे रात तक वीडियो को एडिटिंग की हूँ, तब जाके आपको देखने को मिला है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाइए देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आई हूँ। तो जाइए जल्दी जल्दी और प्रीवियस ब्लॉग देखिए। और ये कुछ व्यू है बाहर का, जो कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो आप देख सकते हैं बाहर का व्यू भी कितना खूबसूरत लग रहा है, और धूप तो इतना ज़्यादा था उस दिन कि मत ही पूछिए, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था कि हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। फिर भी उसी में हम लोग गए और वहाँ जा के इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर आए थे, बहुत मज़ा आया। तो वो भी ब्लॉग मैं, या तो आगे पीछे जाएगा सारा ब्लॉग, तो आप लोग सारा ब्लॉग देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा। और मुझे लग रहा है कि ये पूरा महीना मेरा इसी ब्लॉग में निकल जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को आप इंजॉय कीजिए, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अब मैं गोरखपुर पहुँच के ही मिलूँगी और इस वीडियो के बाद भाभी वाला वीडियो सारे हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, लिंक भी मैं दे दूंगी, बट वैसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं गोरखपुर जाके। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गोरखपुर, भैया जी अभी जा रहे हैं, पता नहीं हमारी शादी रहेगी नहीं, जितना जा रहा है। अभी हम लोग मातीपुर में हैं और अभी जा रहे हैं ओरियन मॉल, थोड़ा देर वहाँ रिलैक्स करेंगे, मतलब कि अभी भाभी जाम में फंसी हुई है, तो भाभी आएंगी फिर हम लोग साथ में जाएंगे। तो चलिए मॉल दिखा देते हैं।
सो गाइस अभी हम आ गए हैं ओरियन मॉल में, वो देखिए पीछे प्रिया जी। यहाँ पे हम एक और यूट्यूबर दीदी हैं, उनका वेट हम लोग कर रहे हैं। तो मैं तो उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, बट प्रिया जी से वो मिल चुकी हैं, तो वही आ रही हैं, तो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। जब तक हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे मॉल में, तो चलिए वो आती हैं फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ उनसे भी। और उनका भी चैनल है, तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो विज़िट कर लीजिएगा। और बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग डालती हैं वो, तो आप लोग चाहे तो विज़िट कर सकते हैं। मैं तो बोल ही सकती हूँ ना, बस वो तो आपकी मर्जी। चलो हम उधर चलो। आप उधर मत बोलो। तो प्रिया जी वहीं पर झूठ गई है। चलिए चलिए फिर कहीं बैठा जाए। ये छूट गई थी, छोड़ के गई थी, मैं वेट कर रही हूँ। नहीं मैं छोड़ के नहीं गई थी, मैं यहाँ चला रहा हूँ तुम्हारे लिए। अहियाँ तक फोन ना बांधने लगे खाएंगे कुछ पान। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ना मैं कहती हूँ लाइफ में ना इंजॉय करो, क्योंकि ना इस समय किसी के एक मिनट का गारंटी नहीं है कि किसको कब क्या हो जाए। तो फुल इंजॉय करो लाइफ को। कोई कितना भी हर्ट करता है ना, इग्नोर करते रहो, इग्नोर करते रहो। अगर आपका वो सच्चा होगा ना, अगर साथ देने वाला होगा, तो कितना भी प्रॉब्लम रहेगा आपका साथ देगा। और छोड़ के जाने वाला होगा ना, तो कैसा भी होगा छोड़ के जाएगा। अब मैं अपने जनरेशन के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, तो खुश रहो भैया, आप दुनिया भाड़ में जाए, खुश रहो। सही बात है। तो चलिए फोटो क्लिक करें। अभी हम लोग फोटो क्लिक करके मिलते हैं, क्योंकि ये देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा है। तो अभी फोटो क्लिक करके मिलते हैं। और इधर देखिए, इधर भी बैकग्राउंड अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग मॉल में हैं, और ये देखिए एक और दीदी आई हैं। हेलो दीदी, मास्क हटाइए। तो यहाँ चैनल का नाम चलता है, चैनल का नाम है प्रतिमाज ब्लॉग गोरखपुर। तो ये अभी हम लोगों से मॉल में ही मिली हैं, इसके बाद से हम लोग आगे का प्लान करते हैं। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। और ये इधर देखिए मैडम फोन कर रहे हैं दीपू को। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, थोड़ा सेल्फी वेल्फी लिया जाए। चलो बातचीत हो रहा है, देखते हैं। छोड़ो हटवा, चुनरे जैसे हमको पकड़ के ले जा रही है कि अब चढ़ी नहीं है कभी। नहीं नहीं हम आते नहीं, आप लोगों को पता है कि हम कहीं घूमते उमते हैं नहीं। गजब तो है, हमको सिखा रही है। चलिए आपको सीढ़ी चढ़ा देते हैं, घुमा देते हैं। मैंने सोचा कि क्या पता कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी चलिए फोटो तो खींच लेते हैं, फिर जा रहे हैं। भाभी का दीपू का कॉल आ गया है। और अभी अभी बोला है कि आ जाइए यहाँ पे, तो वहाँ चले जाएंगे। अभी प्रतिमा दीदी भी आ गई हैं हम लोग के साथ में, और यहीं से जाएंगी। ये देखिए ब्लॉग बना रही है लोग। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, ठीक है। अभी जब दीपू से मिलूंगी, भाभी से मिलूंगी, फिर ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। बाय गाइस।